नितिन गडकरी के लोकसभा सीट पर उठा प्रश्न चिन्ह अब उठ चुका है, जहां भाजपा द्वारा प्रकाशित दूसरी लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में नागपुर से उनका नाम आ गया है, जिसके चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने धंतोली स्थित विभागीय कार्यालय में ढोल बजाकर जल्लोष किया। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची में नितिन गडकरी का नाम न होने से कई सियासी अटकलें देखने को मिली, तो देखा गया कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें उम्मीदवारी देकर मंत्री बनाने तक की बात भी कही। लेकिन कल जब दूसरी सूची जाहिर की गई, जहां 20 लोगों की लिस्ट में नितिन गडकरी का भी नाम दिया गया है, जिसके चलते कल नागपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल्लोष व्यक्त किया। जहां ढोल बजाए गए तो वहीं आतिशबाजी भी की गई। इस समय विशेष रूप से विधायक प्रवीण दटके, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा संजय भिंडे, नागपुर शहराध्यक्ष भाजपा जितेंद्र कुकड़े समेत महिला मोर्चा की अर्चना डेहनकर, प्रगति पाटिल आदि महिला कार्यकर्ता विशेष रूप से मौजूद थे, जहाँ सभी ने नृत्य करते हुए खुशी जाहिर की। इस समय शहराध्यक्ष जितेंद्र कुकड़े ने आनंद व्यक्त किया। दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नागपुर महानगर के अध्यक्ष जितेंद्र बंटी कुकड़े। क्या कहना चाहेंगे, आज जो है बड़े सस्पेंस के बाद नितिन गडकरी जी को जो है यहाँ से जो है उम्मीदवारी मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा भारतीय जनता पक्ष का विजयोत्सव है, नितिन जी की टिकट। ये नागपुर में किए हुए कामों की, पूरे देश में जो विकास काम हमने नितिन जी ने किए है, भारतीय जनता पार्टी ने किए है, ये हमारे विभागीय कार्यालय में ही जल्लोष नहीं तो पूरे नागपुर में देखिए, घर घर में चौकों चौकों में जल्लोष हो रहा है। नागपुर की जनता खुश है, नागपुर से कमल खिलेगा और मोदी जी का कमल खिलेगा और नागपुर का कमल ये 400 पार तक लेके जाएगा और फिर एक बार मोदी सरकार आने वाली है। पहली लिस्ट घोषित होने के बाद जो है विपक्ष ने जो है ऑफर भी दिया था नितिन गडकरी जी को, आज क्या कहना चाहेंगे उनको? विपक्ष बौखला गया है, जैसे बड़े पप्पू है राहुल गांधी वैसे छोटे पप्पू आदित्य जी और उनके पिताजी है, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी का जो सिस्टम है, पहले जो राज्य निश्चित होने थे वो तय हो गए, बाद में हम महायुति में है, महायुति में 14 पार्टियों को साथ में लेकर हम यहाँ पर सरकार डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। सभी से चर्चा करने के बाद ही वो सीट फाइनल होती है, पूरी टिकटें फाइनल हुई है और नितिन जी ये सीट पहले ही कन्फर्म थी हमारी। दर्शकों, जिस प्रकार से खुशी जाहिर हो चुकी है नागपुर में जो है नितिन गडकरी को उम्मीदवारी मिलने के बाद, जो है नागपुर के विभागीय कार्यालय में फटाके फोड़ कर बैंड बजा कर यहाँ जो है खुशी मनाई गई है। जिस प्रकार से हमने महानगर के अध्यक्ष से बात की, पदाधिकारियों से बात की, तो अब की बार 400 पार और अभी जो है केंद्र में कमल ही खिलेगा, इस प्रकार की प्रतिक्रिया इस वक्त मिल चुकी है। दूसरी लिस्ट जाहिर होने के बाद 20 उम्मीदवारों की जो है लिस्ट जाहिर हो चुकी है और नितिन गडकरी का नाम आने के बाद एक अलग ही खुशी नागपुर वासियों में एवं भाजपा पदाधिकारियों में दिख रही है। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 72 उम्मीदवारों वाली दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल के साथ साथ हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम भी शामिल है, जिससे नागपुर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इस आनंद लहर में गोते लगाते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय भिंडे और चंदन गोस्वामी ने अब की पार 400 पार का नारा दिया है। कहना चाहेंगे, बड़े सस्पेंस के बाद जो है नागपुर में कमल खिलने वाला है और नितिन गडकरी जी के हाथ में जो है उम्मीदवारी मिली है। ये कोई सस्पेंस नहीं था, ये ओपन सीक्रेट था। नितिन जी गडकरी को टिकट मिलना स्वाभाविक बात थी। आज महाराष्ट्र के लिए जाहिर हुई उसमें पहला नाम उन्हीं का है और केवल ये नागपुर वासियों के लिए आनंद का विषय नहीं, सारे देश भर के लिए आनंद का विषय है। इसका कारण ऐसा है कि नरेंद्र जी मोदी के सरकार में जो कार्यक्षम मंत्री रहे वो नितिन जी गडकरी रहे। पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर जाल बिछाया और देश भर में काम किया, उस काम के आधार पर और निश्चित रूप से हमारा जो नारा है अब की फिर एक बार मोदी सरकार और 400 बार, इसका परिणाम ऐसा होगा कि नितिन जी गडकरी जैसा दबंग मंत्री जब चुनाव में खड़ा रहने वाले हैं तो इसका परिणाम कुल मिलाकर देश भर में होगा और देश भर में इस चित्र को बदलने के लिए हम तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत आनंद का विषय है और देश भर के समूचे जनता के लिए भी ये आनंद का विषय रहेगा। सस्पेंस वाली कोई बात नहीं, उनको टिकट मिलना स्वाभाविक ही था, वो टिकट बांटने वाले कार्यकर्ता है, उनका सस्पेंस का विषय कोई रहा नहीं है। देखिए,
जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में नागपुर ही नहीं पूरे देश का कायाकल्प कर दिया है, जो भारतीय नागरिकों के दिल दिल में बसे हैं। कार्यकर्ता को बहुत अच्छा लगता है जब देश विदेश में नितिन जी का नाम बहुत ही अच्छे इसमें लिया जाता है कि भाई वे विकास पुरुष है। इसलिए हम सभी कार्यकर्ता उन्हें अपने दिल से चाहते हैं और उनको टिकट मिलने से यहाँ पर हम बहुत खुश हैं। हम तीसरी बार मोदी जी की गारंटी के साथ नितिन जी गडकरी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। हम तो यह चाहते हैं कि वे निर्विरोध चुनाव हो नागपुर के अंदर में, क्योंकि नागपुर का बहुत ही, और नागपुर का नाम उन्होंने बहुत ही रोशन किया, महाराष्ट्र का नाम रोशन किया। हम सभी पार्टियों उन्हें इससे सीख लेनी चाहिए और निर्विरोध चुनाव होना चाहिए। दर्शकों, लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों में जाहिर होने वाले हैं और इसी वक्त जो है सस्पेंस बना हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी नागपुर में किसको उम्मीदवारी देगी, जो कि सस्पेंस बना हुआ था। पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं था, लेकिन आखिरकार जो है नितिन गडकरी का नाम नागपुर की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जाहिर किया है। 20 जनों की लिस्ट जो है जाहिर की हुई है और वहां पे नितिन गडकरी का भी नाम है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी विभागीय कार्यालय नागपुर में बड़ी मात्रा में खुशी मनाई जा रही है। कई ढोल बजाए जा रहे हैं, जो है मिठाइयां बांटी जा रही है, महिलाओं ने यहाँ फुगड़ी भी खेली, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं बड़े ही खुशी का माहौल इस वक्त देखा जा रहा है। हर जो है प्रतिक्रिया खुशी की प्रतिक्रिया यहाँ व्यक्त की जा रही है, जय घोष यहाँ किया जा रहा है, वंदे मातरम का नारा जो है यहाँ दिया जा रहा है। तो देखते हैं इसका आगे क्या असर होता है लोकसभा चुनाव में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मिली उम्मीदवारी के बाद नागपुर की सियासत में जोर आ चुका है। परंपरागत जीत हासिल करते हुए गडकरी ने नागपुर में जिस प्रकार से अपना हुकुम का इक्का बना कर रखा है, उसके बाद कांग्रेस के बीच भी कड़ा उम्मीदवार उतारने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।